आज नगला बूरिया सोंख मथुरा का नायक अनिल कुंडल 463 मिसाइल आर्टिलरी रेजिमेंट 12 आर्टरी ब्रिगेड बीकानेर में युद्धाभ्यास के दौरान अपनी मां भारती की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास गांव भूरिया में पहुंचा। पूरा गोवर्धन तहसील की भीड़ उमड़ पड़ी। वेटरन्स इंडिया पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों और समस्त टीम ने शहीद के अंतिम संस्कार की जगह और श्रद्धांजलि सर्व समाज शासन प्रशासन का सहयोग किया। अंतिम संस्कार आज 13 जुलाई सुबह उनके पैतृक निवास नगला भूरिया में पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। मथुरा भारतीय सेना के आए हुए अधिकारियों ने पुष्प चक्र चढ़ाकर शहीद को श्रद्धांजलि दी, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह, महाराज ग्रुप के चेयरमैन समाज सेवी भाई प्रीतम सिंह, ब्लॉक प्रमुख विपिन कुंटल, विधायक प्रतिनिधि, पूर्व प्रमुख बाबू लाल प्रधान, SDM तहसील गोवर्धन, CO गोवर्धन, पुलिस पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी कैप्टन नेत्रपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन उधम सिंह, जिला अध्यक्ष मथुरा सूबेदार लक्ष्मण मण सिंह, तहसील अध्यक्ष सूबेदार करतार सिंह, कोऑर्डिनेटर हवलदार अशोक कुमार, जिला कोऑर्डिनेटर रमन राम रतन ठकरेला, जिला अध्यक्ष युवा वर्ग सूबेदार अमर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष कैप्टन टिकम सिंह, सूबेदार महावीर सिंह, हवलदार रामबाबू सिंह, थानाध्यक्ष थाना मगोर्रा पुलिस चौकी इंचार्ज सोंख, भारतीय सेना के जवान पूर्व सैनिक दीपक चौधरी, चंद्रपाल सिंह प्रधान, देवी सिंह कुंडल, समाज के वरिष्ठ लोग, माताएं बहने, गोवर्धन तहसील के सर्व समाज ने पुष्प अर्जित कर पूला फूल माला चढ़ाकर शहीद अनिल को श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर शहीद के परिवार में उनके पिता वीर नारी नीतू सिंह, उनका बेटा मयंक सिंह और बेटी प्रिंसी, उनका छोटा भाई UP पुलिस में सेवा कर रहा है। मथुरा से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। पाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन वेटरन्स इंडिया, आज यहाँ पर हमारे नगला भूरिया में गोवर्धन तहसील में सिपाही अनिल कुमार शहीद हो गए। यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शहीद अनिल कुमार 11 साल सेवा बीकानेर में युद्धाभ्यास के दौरान उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिससे अपने कस्बा गांव का, ब्लॉक का, जिले का और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया। परिवार में दुख का समाचार है। समस्त गोवर्धन तहसील में उन्होंने अपनी सेवा आरटी रेजिमेंट में 463 मिसाइल ग्रुप में सेवा कर रहे थे और युद्धाभ्यास के दौरान उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, न उन्होंने कोई सहायता की है। जैसे ही ऊपर से रिपोर्ट आएगी, उनको शहीद का दर्जा मिलेगा, तो शासन प्रशासन की सभी मदद की जाएगी। इसके साथ ही हमारे यहाँ के समाजसेवी ब्लॉक प्रमुख प्रीतम सिंह भाई साहब ने 3 लाख रुपए की घोषणा की है और अपना सौंदर्यकरण के लिए। बस इसी के साथ में हमारे पूर्व सैनिक संगठन वेटरन्स इंडिया के करीब 50-60 लोग आए हुए हैं और समस्त जनता के साथ 5-6 हज़ार